से शुरू हुई सीयूईटी पीजी 2023 आवेदन प्रक्रिया। बीएचयू में एमए ज्योतिष के छात्रों के लिए उपहार। इग्नू जुलाई 2023 के लिए पुनः पंजीकरण शुरू। यह है इस न्यूज बुलेटिन की प्रमुख खबरें। स्वागत करता हूं आपका विद्या लाइव के न्यूज बुलेटिन पर। विद्या लाइव आपको शिक्षा से अपडेट रखता है, बस आप विद्या लाइव को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं हूं कुमार विजेंद्र। अब खबरें विस्तार से। फिर से शुरू हुई सीयूईटी पीजी 2023 आवेदन प्रक्रिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी पीजी 2023 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया फिर से खोल दी गई है। सीयूईटी पीजी 2023 के इच्छुक उम्मीदवार अब 11 मई 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic पर आवेदन कर सकते हैं। करेक्शन विंडो 12 मई 2023 को खुलेगी और 13 मई 2023 बंद हो जाएगी। बीएचयू में एमए ज्योतिष के छात्रों के लिए उपहार। बीएचयू ज्योतिष विभाग के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संस्थान संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में एमए ज्योतिष के छात्रों के लिए 2 छात्रवृत्तियां स्थापित करेगा। विश्वविद्यालय को आचार्य यानी ज्योतिष गणित अर्थात ज्योतिष में एमए प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए मेरिट कम मींस के आधार पर छात्रवृत्ति शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। इग्नू जुलाई 2023 के लिए पुनः पंजीकरण शुरू। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने जुलाई 2023 सत्र के लिए फिर से पंजीकरण शुरू कर दिया है। जो छात्र पंजीकरण कराना चाहते हैं वे इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट onlineerr.ignu.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार बिना विलंब शुल्क के जुलाई 2023 सत्र के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जून 2023 है। दोस्तों यह तो थी आज के न्यूज बुलेटिन की प्रमुख खबरें और विस्तार। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या विद्या लाइव की ऑफिशियल ईमेल आईडी info@vidyalive.com पर लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।